एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि क्रॉल बजट क्या होता है एसईओ के अंदर, कैसे आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे ये आपको एसईओ में फायदा देता है। दोस्तों ए टू जेड जानकारी क्रॉल बजट के ऊपर आज आपको मिलने वाली है। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो और कोर्सेज मिस ना हो। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए लेकर आया है महाबंडल कोर्स, जिसके अंदर 55 से भी ज्यादा डिजिटल टेक्निकल कोर्सेज हैं, बिल्कुल लेटेस्ट, जिसमें हाई इनकम स्किल्स हैं। और दोस्तों हर महीने नए नए कोर्सेज अपडेट होते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, क्लिक कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। और दोस्तों साथ के साथ वर्ल्ड का सबसे ईजिएस्ट एफिलिएट प्रोग्राम, जिसमें लर्निंग अर्निंग एक साथ मिलेगी। आइए चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रॉल बजट इन एसईओ एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज। तो क्रॉल बजट इन एसईओ क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंट है और आप इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो क्रॉल बजट एक इम्पोर्टेंट टर्म है, जिसमें आपको ये पता लगता है कि गूगल के आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने का कितना स्पीड अप है, कि किसी टाइम पीरियड के अंदर गूगल आपकी वेबसाइट को कैसे क्रॉल करता है, गूगल बोट्स के थ्रू कितनी वेब पेजेस को क्रॉल कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ आपको ये समझना है कि गूगल के जो क्रॉल करने का स्पीड अप कितना है। अगर आपकी वेबसाइट पे कंटिन्यू आप कंटेंट लिख रहे हैं तो गूगल किस स्पीड से आपके वेबसाइट के वेब पेजेस को इंडेक्स करता है, क्रॉल करता है। अगर आपकी वेबसाइट का क्रॉलिंग अच्छा होगा तो इंडेक्स भी प्रॉपर होगा और रैंकिंग भी जल्दी मिलेगी। तो क्रॉल बजट ये डिटरमाइन करता है कि आपके कितने पेजेस, कोई भी क्रॉलर आपके कितने पेजेस को क्रॉल कर सकता है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब भी आपकी वेबसाइट पे गूगल क्रॉलर या सर्च इंजन क्रॉलर आता है तो वो आपकी वेबसाइट के कितने वेब पेजेस को क्रॉल कर सकता है अंडर अ गिवन टाइम ऑफ पीरियड। तो जितनी आपकी वेब पेजेस क्रॉल होंगे उतने ज्यादा इंडेक्स होंगे और उतने ज्यादा रैंकिंग के चांस होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाई क्रॉल बजट इज इंपॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट इसका आप इस चीज से समझ सकते हैं कि क्रॉल बजट क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इंश्योर करता है सर्च इंजन को कि उसने प्रॉपर सभी पेजेस को इंडेक्स हो पाए आपके या नहीं हो पाए सर्च इंजन पे। अगर आपका क्रॉल बजट कम होगा और गूगल आपका जो वेबसाइट को क्रॉल कम कर पाएगा या वेब पेजेस को कम क्रॉल कर पाएगा तो उतने कम पेजेस आपके इंडेक्स होंगे और जितने कम पेजेस आपके इंडेक्स होंगे वो उतने कम आपको रैंकिंग मिलेगी। तो आपके यहाँ पे कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्रॉल कर पाए गूगल वेब आपके वेब पेजेस को, और जितने ज्यादा वेब पेजेस आपके क्रॉल होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे, पेज इंडेक्स होगा और आपका कंटेंट रैंक होगा, और कंटेंट रैंक होगा तो ट्रैफिक आएगा। बट अगर आपका जो क्रॉलिंग रेट है वो काफी कम है, गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पा रहा है सही से, सो ये नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा आपकी एसईओ परफॉर्मेंस में और आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। तो आइए हम जान लेते हैं कि आपको कैसे काम करना है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपने बजट क्रॉलिंग बजट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पे फोकस करना होगा कि आपकी वेबसाइट की जो भी इम्पोर्टेंट पेजेस हैं या जो भी ब्लॉग हैं वो प्रॉपर क्रॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्रॉपर इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट के पेजेस क्रॉल नहीं हो रहे हैं सही से तो आपको इंस्टेंट क्रॉलिंग करानी पड़ेगी जिससे कि आपके वेब पेज इंडेक्स हो पाए। जो सेकंड पॉइंट है वो है आप robot.txt फाइल से चेक कर सकते हो लो प्रायोरिटी पेजेस। तो कुछ पेजेस हो सकते हैं कि आपके इस वजह से क्रॉल ना हो रहे हैं बिकॉज आपने robot.txt में नो क्रॉलिंग का आपने फॉर्मूला यूज किया हो जिससे कि आपका वो पेजेस क्रॉल ना हो रहे हैं। तो आपको एक बार अपने robot.txt फाइल देखनी है जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन से लो प्रायोरिटी पेजेस हैं और जो इंडेक्स नहीं हुए हैं, और या वो कौन से पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हो रहे, जो क्रॉल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आपको जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी अपनी वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव करनी है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत देर से लोड होगी तो हो सकता है गूगल क्रॉलर्स को वहां पे परेशानी हो क्रॉल करने में। तो जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट फास्ट होगी उतने ज्यादा क्रॉल का प्रोसेस अच्छा होगा। और इसके अलावा अगर आपने रीडायरेक्ट करा है, परमानेंट रीडायरेक्ट करा है, तो उस वजह से भी क्रॉलिंग बजट में इश्यू आ सकता है। तो मेक श्योर आपको 404 ना आ रहा हो, मेक श्योर आपको जो भी 404 एरर आ रहा है आपको 301 रीडायरेक्ट लगाना है, परमानेंट रीडायरेक्ट लगाना है।
और आपको अपडेटेड साइट मैप सबमिट करना होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट का क्रॉलिंग बजट जानना है तो आप सबसे पहले आप जाएंगे गूगल सर्च कंसोल पे जाएंगे और आपको सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉल स्टेट्स पे क्लिक करना होगा और ये रिपोर्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो। ओपन रिपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो क्रॉलिंग प्रोसेस रिक्वेस्ट कितना है अभी, ठीक है, ये रिक्वेस्ट ऑलरेडी है आपका, और टोटल डाउनलोड साइज, एवरेज रिस्पॉन्स साइज। तो गूगल का ये अलग अलग फाइल्स हैं और जो अलग अलग फाइल्स को क्रॉल किस किस डेट में करा है आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे क्रॉल करने का प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस डेट में गूगल क्रॉल रिक्वेस्ट सेंड करता है, आप यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि डेस्कटॉप पे गूगल का बोर्ड्स का कब क्या प्रोसेस है क्रॉल करने का, स्मार्टफोन पे कितना परसेंटेज है क्रॉल करने का। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज कब कब क्रॉल हुआ है। तो ये मेरी एक पुरानी वेबसाइट है जिसपे मैं अभी कंटेंट अपडेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो मेरे पेजेस हैं सब क्रॉल हो चुके हैं, गूगल को पता है। बट समटाइम्स अगर आपको लगता है कि मेरा कोई ब्लॉग है जो आपने लिखा है वो क्रॉल नहीं हुआ है और इंडेक्स नहीं हो रहा, तो आप इंस्टेंटली क्या कर सकते हो, आपको URL इंस्पेक्शन पे जाना होगा, URL इंस्पेक्शन पे। और लेट सपोज ये आपकी कोई वेबसाइट है, लेट सपोज ये आपका कोई ब्लॉग है जो इंडेक्स नहीं हुआ है, ये आपका कोई ब्लॉग है यहाँ पे ये वाला, ये आपका इंडेक्स नहीं हुआ है, क्रॉल नहीं हुआ है तो इंडेक्स नहीं होगा। तो अगर इसको मुझे इंडेक्स कराना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको पहले क्रॉल कराऊंगा। तो ये URL आपको कॉपी कर लेना है और सिंपली आपको कहाँ पे आ जाना है, आपके गूगल सर्च कंसोल पे और URL इंस्पेक्शन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है, एंटर कर देना है। तो ये वाला अगर आपका ब्लॉग है URL अगर क्रॉल नहीं हुआ है तो ये क्रॉल हो जाएगा, व्यू क्रॉल पेज, ये क्रॉल हो गया है आपका, URL is on Google। अगर फिर भी नहीं होता तो सिंपली आपको क्या करना है, टेस्ट लाइव URL पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप टेस्ट लाइव URL पे क्लिक करोगे तो गूगल बोर्ड्स इंस्टेंट बेसिस पे जाके आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे इस पर्टिकुलर URL को और वो इंडेक्स कर लेंगे। अगर आपकी वेबसाइट में भी ये इशू होता है तो आप ऐसे इसको फिक्स कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपको क्या क्या पॉइंटर्स याद रखने हैं, कि आपको याद रखना है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो और मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो, और आप कंटेंट है ना, रेगुलर कंटेंट अपडेट करिए। ये दिक्कत कब आती है मोस्टली, कि आपका जो क्रॉल बजट है वो काफी कम हो जाता है बिकॉज आप कंटेंट रेगुलर अपडेट नहीं करते हो। तो मेक श्योर आप अपने वेबसाइट का कंटेंट रेगुलर अपडेट करिए जिससे कि आपका ये प्रोसेस कोई दिक्कत ना हो। आप यहाँ पे साइट मैप भी सबमिट कर सकते हैं। साइट मैप कैसे सबमिट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपली आ जाना है साइट मैप पे, और जो भी आपकी वेबसाइट का साइट मैप है उसको आगे आपको लिख देना है साइट मैप .xml और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपकी वेबसाइट का साइट मैप अगेन सबमिट हो जाएगा और आपके जो भी प्रॉब्लम है क्रॉल बजट की वो फिक्स हो जाएगी। तो आप इस तरह अपनी वेबसाइट का क्रॉल बजट इंप्रूव कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी कोई क्यूरीज हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग अगर आपको हमसे लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज महाबंडल कोर्स के अंदर लेकर आया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विद सर्टिफिकेशन और दोस्तों आपके साथ लर्निंग अर्निंग की अपॉर्चुनिटी विद बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।